हाय एवरीवन, वेलकम टू जवास लिटिल वर्ल्ड। तो आज मैं आपसे होम एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ जो मैं करती हूँ खुद से। और जैसे कि इससे पहले मेरे मम्मी मेरे पैरों का एक्सरसाइज करके देते, आप सब से मैं शेयर की थी, उसमें बोली थी कि मैं बाकी सब एक्सरसाइज कर सकती हूँ बट मेरे पैरों का जो पैर ऊपर नीचे करके देना पड़ता है वो एक्सरसाइज मुझसे नहीं होता। जैसे व्हीलचेयर पे बैठ के पैरों का उंगलियों का बाकी जो कुछ आता है वो सब मैं करती हूँ, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है पैर सीधा करना और मोड़ना, जैसे कि खुद से नहीं होता तो एक्सरसाइज मम्मी को या पापा को करके देना पड़ता है। तो आज मैं आपसे ये पुशअप दिखाऊंगी, मैं वो करती हूँ। और ये एक्सरसाइज है जो कि बुक ओपन और क्लोज, इस एक्सरसाइज का नाम है। तो ये सब एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है जिनको भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, और जैसे कि अपने आर्म्स का, अपने स्पाइनल का ये इनका एक्सरसाइज करना पड़ता ही है, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोल दिए थे कि आपको हमेशा एक एक घंटे के बाद एक्सरसाइज करना है। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं दिन में दो बार करती हूँ, सुबह और शाम को जैसा वक्त मिलता है। बट अभी जैसे कि मेरी बेटी है छोटी, तो मुझे इतना वक्त नहीं मिलता, बट जैसे मुझे वक्त मिलता है मैं एक्सरसाइज करती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैर का है ऊपर नीचे करने का एक्सरसाइज, तो सारे इम्पॉर्टेंट से अपने हाथ का, आर्म्स का, इसका तो एक्सरसाइज करना ही है जिसको भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, ये सब डॉक्टर ने बोले। और मैं खुद से अगर करती हूँ तो जो पुशअप है तो मैं वो पहले भी बहुत करती थी, और जैसे कि अभी मेरी बेटी हुई है, मेरा सी सेक्शन हुआ है, तो उसके बाद मैं पुशअप ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि पुशअप करती हूँ अभी स्टार्ट कर दी हूँ करना। तो इससे पहले मैं एक बार ट्राई की थी थोड़ा, तो मुझे दर्द होना शुरू हुआ था, तो मम्मी ने बोली नहीं अभी मत कर, बट अभी मैं कुछ दिनों से मैं करना चालू कर दी हूँ पुशअप भी, तो वो भी मैं आज आपसे शेयर करूँगी। तो ये जो मैंने दिखाई थी अभी जो ओपन और क्लोज बुक, इसका एक्सरसाइज का नाम है, तो दोनों साइड करना है, मतलब दोनों करवट, तो उस साइड में मैं करके दिखाई। एक एक में 10-10 बार करती हूँ, 30 बार करना चाहिए, एक एक इसमें 10-10 बार करके रेस्ट लेके 3 बार तो मैं करती हूँ, बट आपके साथ इतना नहीं शेयर की पूरा, मतलब 30 टाइम नहीं की, मतलब 10-10 बार करके आपसे शेयर की। तो आप लोग मेरा ये आज का वीडियो पूरा देखिए, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट भी करो। तो एक्सरसाइज मेरे लाइफ में सच में बचपन से है, जो भी मेरे लाइफ स्टोरी नहीं पता आपको, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे मैंने मेरे पैरों की ताकत कैसे खोई हूँ, तो इससे पहले जो वीडियो बनाई हूँ मैं शेयर की हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, तो आप लोग देख सकते हो कि मैं एक्सरसाइज क्यों कर रही हूँ। और जो भी पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो तो एक ऑपरेशन में मेरे दोनों पैरों की ताकत चले गई, बट एक्सरसाइज मैं बचपन से करती हूँ, क्योंकि बचपन में मेरे पैर में पोलियो हो गया था, तो उसका भी ऑपरेशन होने के बाद उसका भी एक्सरसाइज था, फिर उसके बाद भी क्यों मैं एक्सरसाइज करती थी, तो ये सब जानने के लिए मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग पूरे वीडियो देखिए तो आप समझ जाओगे मेरी लाइफ स्टोरी। तो यहाँ भी देखो वही 10-10 बार कर रही थी, तो ये सब करने से ना बहुत अच्छा लगता है रियली, क्योंकि हम जो भी जिससे भी पैरों में प्रॉब्लम है, जैसे पैरालाइज है, तो ये एक्सरसाइज करने से सबको पता है कि कितना अच्छा लगता है, और एक्सरसाइज करना भी चाहिए। और सबसे और एक एक्सरसाइज है व्हीलचेयर में आर्म्स का, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो भी बहुत अच्छा है। तो ये सब एक्सरसाइज मैं खुद से कर सकती हूँ तो ये मैं करती हूँ, बट जैसे ये हो गया था मैं तुरंत मम्मी को बुलाई थी, मम्मी पैरों का भी कर दो, तो मम्मी ने कर दी थी, जो इसमें मैं शेयर नहीं की क्योंकि इससे पहले वो एक्सरसाइज मैंने एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। तो आप ये वीडियो पूरा देखो, मैं कैसे कैसे पुशअप करती हूँ और क्या क्या एक्सरसाइज करती हूँ, तो
मेरा वीडियो पूरा देखो और अपने फ्रेंड फैमिली से शेयर भी करो। सो फ्रेंड, आज मैं आपसे होम सेल्फ एक्सरसाइज आपसे शेयर की हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली से शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और आप सब अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और जो भी नए आए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू।